हेलो गाइज, नमस्कार। तो क्या हालचाल, एक स्वागत एक नई वीडियो में आपका। सो जो आज की वीडियो होगी, डलहौजी से स्टार्ट कर रहा हूँ। डलहौजी हिमाचल में, आपको पता है। और कल हम यहाँ पे आ गए थे, होटल में चेक इन कर लेते हमने, बट कल हमने मॉर्निंग में जर्नी स्टार्ट की थी और इवनिंग में पहुँच गए थे हम। और आज जो है हम अभी निकले हैं रेडी होके कुछ साइट सीइंग के लिए। तो अभी हम एक पॉइंट पर रुके हैं, जैसे हम अभी डलहौजी से खजियार की तरफ जाते हैं, तो खजियार एक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं हम। तो उसके बाद खजियार के बाद चंबा भी जाएंगे। तो जो जो पॉइंट आते जाएंगे आपको मैं बताते जाऊँगा कि कौन कौन से पॉइंट आते रहते हैं और क्या करने लायक है आपके वहाँ पे, आजकल किस तरह का अभी हलचल है। आपको पता है कि ऐसे नया साल है, आज 31 दिसंबर है। तो 31 दिसंबर पर कुछ ऐसे कि यहाँ पर रश बहुत ही कम है। ऐसे मनाली साइड, अगर शिमला साइड, वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, बट अगर मैं बात करूँ यहाँ की डलहौजी की साइड पर, यहाँ पर रश बहुत ही कम है। तो ऐसे मॉर्निंग का भी है, कल भी हमने देखा था, कल भी बहुत रश कम था, ठीक है। बट ये कि वेदर की बात करूँ, रश की बात कर ली, वेदर की बात करूँ तो यहाँ पे गर्मी है। मतलब अभी आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पे स्नोफॉल नहीं है, कुछ नहीं है, और कोई भी यहाँ पे फोगी वेदर नहीं है। और पंजाब से हमारे पंजाब में तो ज़्यादा फोगी वेदर था, बट यहाँ पर कोई ऐसा कुछ माहौल नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत ही क्लीन मिलेगा, ठीक है। और ये कि एक हिल स्टेशन है बढ़िया, और आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। और हमने भी डिसाइड किया कि चलो, हमें पता था क्योंकि मैंने ऑलरेडी होटल से कॉन्टैक्ट किया था, वो कह रहे यहाँ पे रश नहीं है, तो हमने यहाँ पे मूव ऑन करने का सोचा, राइट। तो फिलहाल अभी चलते हैं इस पॉइंट से, आगे निकलते हैं और खजियार की तरफ निकलते हैं, और उसके बाद जो जो पॉइंट आते जाएंगे आपको मैं इंट्रोड्यूस करते जाऊँगा, और क्या क्या आप वहाँ पे कर सकते हैं वो भी इसके बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। चलिए करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। सो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मैगी वाले पॉइंट मिलेंगे आपको, जैसे आप रोड पर जाते हो खजियार की तरफ, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स बहुत मिलेंगे, और एक पॉइंट मैं आपको जैसे भी बता रहा था पहले, कि जो स्टार्टिंग में पहले एक पॉइंट आता है कि यहाँ पे आप अपना फोटो वगैरह शूट कर सकते हो, और कैमरामैन भी आपको मेरे मिल जाएंगे, तो आपको फोटो वगैरह भी आपको क्लिक करने के लिए आप दे देंगे। और ये है यहाँ का व्यू, आप यहाँ पर दे सकते हो, बहुत ही क्लीन है, आज बिल्कुल भी फॉगी वेदर नहीं है, धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट है, राइट। तो बाकी मेरे पीछे दो हैं दोस्त, और मैं इस जर्नी में, आज की जर्नी में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ दो फ्रेंड्स भी आए हैं मेरे साथ। तो मेरे नॉर्मली आप मेरी वीडियोस में देखते हैं मिस्टर कुलजीत तो मिस्टर रवि, तो वो उनके साथ ही आज व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और कल हमारी रिटर्न है, वापसी, राइट। 30th को हम आए थे, और आज पूरा एक्सप्लोर करेंगे। हमारे होटल में आज डीजे नाइट पार्टी भी है, तो वो भी उसको भी इंजॉय करेंगे। जो जो नया साल किस तरह से मनाया जाता है यहाँ पे, किस तरह का माहौल है होटल का माहौल, और जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं उसका भी आपको बताएंगे, किस होटल में हम स्टे कर रहे हैं। और हमने बहुत ही मतलब रीजनेबल प्राइस पे बुक करा, और लाइक बानीखेत में बुक करा है, तो कि डलहौजी से 7 किलोमीटर पीछे जाता है, राइट। तो फिलहाल ये है एक पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे पीछे आप देख सकते हो पॉइंट, ये वाला होटल। अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं खजियार, जिसको बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। मेला शुरू हो जाता है, उधर बहुत दूर है गेट, पैर पाव उतार दी भाई, आपने लियो बनना या प्योर शेक के अंदर रहना है आप। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि खजियार अभी हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ की वेदर की बात करूं तो वेदर ने हमें बहुत ही निराश कर दिया, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और इतनी तेज़ धूप खिली हुई थी। यहाँ पे बोलते हैं ना कि खजियार सबसे ठंडा इलाका होता है, बट यहाँ पे इतनी तेज़ धूप के कारण हमारा जब पूरा टूर है उसका पूरा मज़ा किरकिरा हो गया। तो यहाँ अगर आप आए, प्लीज़ आप वेदर चेक करके ही आपने आना है। बोल देना तेरे बाबा के लिए, ये पानी टेस्ट करा सकते हो, टेस्ट करी तो रही है ना, कौन बोला ना, कर दो यार इनको भी कर दो, कर दो भैया, साला बुलाया बोले तो बैठ खड़ा हो, काके हाय कैसे काके खड़ा हो, चेक कराओ, चेक कराइए कहीं भी नहीं मिला ना।
बस करिए आप ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਬਸ ਕਰੀਏ ਬਸ ਠੀਕ ਬਸ ਠੀਕ ਜੀ ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਰ ਦੋ ਹੀ ਕਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਆਲੂ ਭਰ ਦਿਓ ਕੱਲੇ ਦੋ ਐਸੇ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਰਚ ਆ ਵਿੱਚ तो दोस्तों अगर आप बच्चों के साथ खजियार आ रहे हो तो यहाँ पे 500 रुपीस पे आपको पैराग्लाइडिंग मिल जाएगी, तो ये यहाँ पे आप अपने बच्चे ले सकते हैं। चंबे की चंबा कोई एहो जा नहीं ना, गर्मी है ना, गर्मी गर्मी है, मानता ही नहीं यार। थोड़ा ठंडा वाला इलाका कहाँ होगा, मार रोड है यही ठंडा इलाका, इससे ठंडा डलो जी उत्ते चंबे, वो बड़ी सारी ग्राउंड है जिसमें वो तिरंगा लगा हुआ है, बस वही है ना, बस बर्फ किस दिन दो दिन कौन से टाइम पड़ती है, दो दिन टेंपल है बस उधर। यहाँ पे बर्फ कौन से टाइम पड़ती है, मौसम खराब हो गया, जल्दी में पड़ती है। अभी तो यार टूरिस्ट का यहाँ पे आके ना बुरा हाल हो जाता है, वो कह रहे हैं जल्दी जाओ वापस, मुझे यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मिक्स वेज बढ़िया लो, और तीन मैगी मैगी मिक्स वेज भैया, और एक फ्रूटी दे देना, पेट बॉटल्स टेट्रा पैक कोई नहीं है, लाइम सोडा लस्सी या शेक्स, तो उधर ले आ दूसरी दुकान पे कोल्ड ड्रिंक हम ले आए अपने यहां। हां भैया आ भैया आगे भी उधर ही ले आंदे हैं, कोई आ बाबा उठ गया वो तो डिगी पिया ही, यही सीखा बेचारा मुंडा भी होता जाइए जी, तो दोस्तों जैसे ही कोई आप एक्टिविटी करते हो उसके बाद आप कुछ खाने का दिल करता है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्ट्रीट फूड आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे अलग अलग तरह की आपको वैरायटीज़ फूड की मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप खा सकते हो, और काफ़ी अच्छी दुकानें भी हैं। और अभी आप ये देख रहे हो कि काफ़ी तेज़ धूप खिली हुई है, पूरा ग्राउंड यहाँ पर कोई भी स्नोफॉल नहीं है। भैया कितना चार्ज होता है इसका, 500 ठीक है, किसके जमीन से लटका रहा ना। ਹੜੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਲੋ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾਣੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਰਵੀ ਰਵੀ ਕੈਚ ਉਧਰ ਨਾ ਛੋੜ ਕੇ ਖਾਇਆ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਭ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਵੀ ਉਹਦੇ ਰਵੀ ਹਾਈ ਮਾਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਉਹ ਨਾ ਯਾਰ ਕਾ ਤੋ ਮਾਰਨਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸ਼ਿਟ ਮੈਨ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਹਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ।